पहरेदार। हल्द्वानी ब्लॉक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह उत्तराखंड प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी पहुंची, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे रही है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वह महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को विशेष तवज्जो दी जाएगी। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं का रुझान केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी ने स्पष्ट किया है कि इस बार युवाओं और महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा, पिछली बार से कहीं ज़्यादा संख्या में आप देखेंगे कि युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व आगे आएगा। बाकी ये परसेंटेज देना कि इतनों को टिकट दे देंगे उतनों को टिकट दे देंगे, आप देखिए कांग्रेस पार्टी यूपी में कह रही है पर पंजाब में नहीं कह रही है, तो ये जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्लियर संदेश दिया है कि महिलाओं और युवाओं को आप देखेंगे कि इस बार प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलेगा। देखिए, महिला मोर्चा का हमारा कार्यक्रम था और हमारा उत्तराखंड, हमारी महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलता है। चाहे वो 2017 का चुनाव हो, आपने देखा बढ़ चढ़ के भागीदारी हमारी महिलाओं की रही और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की महिला बनाने में हमारी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। और 2022 का चुनाव आ गया है, जो हम अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी भूमिका हमारी महिला निभा रही हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है, बहुत सारी महिलाओं से मैं बात करती हूँ, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात तो सभी विपक्ष के दल करते हैं, लेकिन अगर किसी ने सही तरीके से काम महिलाओं पर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए सारी महिलाएं उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। वहीं भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के लिए घसियारी योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना चला रही है, जिसके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं का रुझान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। हल्द्वानी से पंकज पांडे, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज, सच का पहरेदार। झांसी श्रम विभाग में